नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे फरे। फरे बनाने के लिए हमने दाल लिया है और ये चने और उड़द की दाल है। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों, ये दाल को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम अदरक मिलाएंगे और लहसुन मिलाएंगे, हरी मिर्च मिलाएंगे। इनका हम पेस्ट बना लेते हैं और फिर इस दाल में हम मिक्स कर लेंगे। मिला लेते हैं जीरे को और इसमें धनिया मिला लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक मिला लेते हैं और थोड़ी सी हींग मिला लेते हैं और ये जो हमने अदरक लहसुन और हरा मिर्च का जो पेस्ट बनाया है, अब इसको हम इसी में मिला लेते हैं। अब अच्छी तरह से हम इस दाल को मिक्स कर लेते हैं। अब ये दाल हमारी फरे बनाने के लिए तैयार हो गई है। हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है और ये पानी हमारा उबलने लगा है। अब हम फरे बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने आटा गूंथ के रख लिया था पहले से। गूंथ के रखने से हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से फूल जाता है। इसमें हमने चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स किया है, जिससे हमारे फरे बहुत स्वादिष्ट बने। तो आइए अब हम इस उबलते हुए पानी में इन फरों को बना बना के डालते हैं। इस तरह से हमें फरों को भर लेना है। अब इस पानी में हमें उबलते हुए पानी में डाल देना है। इसी तरह से हम सारे फरों को बना लेते हैं। दोस्तों, हमने फरों को इस उबलते हुए पानी में बना बना के इस तरह से डाल दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और हमारे फरे अच्छे से पक जाएंगे। दोस्तों देखिए, अब हमारे ये फरे पानी में पक गए हैं अच्छी तरह से। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे फरों को बाहर निकाल लेते हैं। ये अब हमारे फरे खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें सादे भी ऐसे ही खा सकते हैं चटनी के साथ, या फिर आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। जैसे आपको अच्छे लगे आप खा सकते हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।